आज हम जो देश में जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन के लिए लोग आते हैं, खाली एक द्वार खुला रहता है, लोगों का लाइन होता है, घंटा का इंतजार करना पड़ता है। हमारा जब बीजेपी सरकार 10 जून में आएगा, हम जगन्नाथ महाप्रभु का सारो द्वार हम खोल देंगे। हमारा देश विदेश और उड़ीसा का लोगों का दर्शन सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। आज उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। भाई और बहनों, उड़ीसा का साथ में ही छत्तीसगढ़ है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है। जहां जहां देश में बीजेपी का सरकार है, हमारा माताओं को, हमारा पिताओं को, हमारा युवाओं को बहुत सुविधा मिल रहा है। आज आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में जब किसान धान सरकार को देते हैं, धान का प्रति क्विंटल उनको 3,100 रुपया मिलते हैं। कितना रुपया मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? 3,100 रुपया। आप लोगों को कितना मिलते हैं? 2,100 रुपया। साथ में पंडियन का कटनी सटनी, वो भी साथ में ही है। कटनी सटनी का बाद आप लोगों को 2100 रुपया मिलते हैं। लेकिन बीजेपी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। अगर मोदी जी बीजेपी का सरकार में छत्तीसगढ़ में 3,100 रुपया दे सकता है, बीजेपी सरकार उड़ीसा का किसानों को 3,100 रुपया क्यों नहीं दे सकता है? भाई और बहनों, देने का समय भी उनका साथ अभी नहीं है। हर मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है ना, बीजेपी का भी एक्सपायरी डेट 10 जून लग चुका है, उनका एक्सपायरी डेट अभी लग चुका है। लेकिन हमारा वादा है, बीजेपी का सरकार आएगा और एक महीना के अंदर में ही हम धान प्रति क्विंटल में 3,100 रुपया में खरीदना हम शुरू कर देंगे। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।